मास्क नहीं पाया मास्क दे मास्क बकरे जे बनाता तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आपको वेदर तो नजर आ ही रहा होगा कितना सही हो रखा है। बस बरस भी जा रही है, गरज मत, सिर्फ बरस भी जा, मतलब अभी मतलब इतना सही लग रहा है ना, ठंडा ठंडा, मतलब पूरा दिन भर पूरी मतलब एकदम गर्मी हो रही होती है। कम से कम पूरे दिन में अभी तो मतलब वेदर चेंज हुआ, कुछ सही माहौल बन रहा है, बस बरस जा, मजा आ जाएगा। मैं आपको मेरे घर में क्या चल रहा है, मैं अपने घर में घर की थोड़ी बहुत चीज़ें तुम आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और इवन उर्वशी के घर में क्या चल रहा है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। वाह, तुम ले सकते हो ऐसा मुर्गा, तुम ऐसे पकड़ सकते हो बाबू? बोलो ना बाबू, बाबू बोलो ना बेटा, बोलो क्या बोला दीदी, पूछो। तो ये है चाय बगान। हम जा रहे हैं अपने दुकान आरके एंटरप्राइज। मैं जा रहा हूँ, मेरी सासू माँ का तबीयत खराब है, उसके लिए दवा पता करने के लिए। डॉक्टर ने दवा दिया है ना, वो दवा काम नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर पन्नालाल शर्मा, उनसे कंसल्ट करके और हम दवा और अच्छा कर सके, मेरी सासू माँ ठीक हो सके। आई लव सासू माँ। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। ये खुशी क्या सुनाक से निकल रहे हैं? और कुछ और बस, सासू माँ आती तो बहुत अच्छा लगता, आ नहीं रही है, क्या करें, चाहता हूँ कि सासू माँ मेरे पास आ जाए। बाबा कहाँ? दुकान में दादाजी नहीं थे तो अच्छा नहीं लग रहा था उधर रुकने के लिए। इसका मार्केटिंग हो गया है, पता नहीं क्या अग्रम बग्रम खाते रहता है। साइड हो जाओ बाबू, साइड हो जाओ। बाबू मुझे भूख लगी है, भागो मत। डैड का कॉल। हाय
हाय गाइस, तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो पीछे पापा जी भी है। तो पापा जी ने बोला कि मुझे एक इंसिडेंट शेयर करना है, तो आइए उन्हीं से पूछते हैं। पापा, उस दिन वाला इंसिडेंट बताओ। पिछले 4-5 दिन हो गए पप्पू की तबीयत खराब चल रही थी। पप्पू सिविल हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन पप्पू को 2-4 टैबलेट देके डॉक्टर साहब ने वापस कर दिया। पप्पू ने 2-3 टैबलेट खाने के बजाय उसने खाना ही बंद कर दिया। कोई भी खाना फूड मैंने बिल्कुल बंद हो गया। उसको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा होने लगा। साथ में वो टैबलेट खाते जा रहा, वो टैबलेट खाने के साथ साथ उसको डिसेंट्री हो गया, वो मेरी नजर में पड़ गया। मैंने उसके वाइफ से पूछा, बोला यार इसको हॉस्पिटल ले जाओ यार, कुछ करो कार्रवाई। नहीं लेके गए थे बोला उसको, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने दवा दिया है, ये खा नहीं रहा बोला टाइम से। अभी उसको पूछा तो क्या बात है, बोला यार मेरा तो पूरा मांसपेशियां टूट रहा, शरीर बदन टूट रहा, मेरे को बुखार सा आ रहा, मेरे को कोई स्लाइड या ऐसा फूड बॉडी सिस्टम में चल गया है, तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अरे कहना क्या चाहते हो? चाहता था मेरे को सलाइन चढ़े या ऐसा कुछ। उसको 2-4 टैबलेट दे के भगा दिया। मैं बोला चलो पप्पू को लेके चलते हैं सिविल में। लेके चले गए, डॉक्टर साहब ने देखा उसको और वो फिर से टैबलेट देखने लिखने लगा उसको। मैंने देखा डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे, वो टैबलेट आपके समझ में नहीं आ रहा, 4-5, 7-8 दिन हो गया उसने खाना नहीं खाया, उसका बॉडी टेम्परेचर सब कुछ चेक करो आप, वो आपको पता चलेगा ये मरने वाला है, खड़ा नहीं हो पा रहा। अरे यार आउट ऑफ कवरेज जीरे से बाहर होते जा रहा, और आप उसको 2-4 टैबलेट देके क्या उसको पूरा खत्म करने के चक्कर में पड़े हो। डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखने लगा, बोला यार ये क्या हो गया। वैसे मैं वहां से दूसरा बंदा गुजर रहा था, मैंने उसको देखा, ए मेरा मार्क का है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी ऐसे कैसे हो रहा। वो फटाफट उन्होंने बोला, वो केस पेपर में लिख दिया उन्होंने, इसको आप घाट वार्ड में लेके जाओ सर, इसका एडमिट कर दो बोला वहां से। मैं ठीक है, वो केस पेपर लिया वो आ गया पप्पू को लेके आप घाट वार्ड में गया, वहां पर पप्पू को देखते ही उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के लिए नहीं थे, पास में पुलिस का गार्ड खड़ा है, वो भी बिना मास्क का दिखाई दे रहा मेरे को। ये क्या प्रोसेशन क्या कर रहा, ये सबकी हमारी सबकी जिम्मेवारी है ना, जवाबदारी है हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखना, देखभाल करना। सरकार ने जो रूल लागू किया है वो सबके लिए है, मास्क लगाना है, बीमारी कम फैलेगी। और हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, और भी बहुत सारी जगह है, वो साफ सुथरी हो, सैनिटाइजर हो, तो कल बीमारी नहीं फैलेगी। हम सबका जिम्मेवारी है, हम उसका एक हिस्सा है, नागरिक। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, सो डोंट फील ऑफेंडेड। डैड ने जो कमेंट किया पुलिस डॉक्टर पे, तो वो ज्यादा सीरियस मत लेना, वो स्पेसिफिक लोगों के लिए था, मतलब सबके लिए नहीं था। जो लोग लापरवाही बरत रहे, इतना जो कोरोना का नंबर इतना बढ़ गया उसके बावजूद भी वो बिना मास्क के घूम। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।